तकरीबन 14-15 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी और इसी सफ़र के बीच में जहां वह बैठी हुई थी उसी ट्रेन के अंदर पास में एक लड़का बैठा हुआ था जो लगभग उससे 12 साल बड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इजहार कर बैठते हैं। अब उन्होंने संपर्क साधने के लिए एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी पता कर ली। अब वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब जो लड़का था वो लगभग 4400 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था। उसके पास लड़की से बात करने के लिए मोबाइल या फिर सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम था जिससे वो बात कर सकता था। अब धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर बातचीत स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है, वीडियो कॉल चालू हो जाती है, मोबाइल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत चालू हो जाती है। बातचीत के दौरान ही वो इतने आगे बढ़ जाते हैं, उन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़की जब बात करती थी तो लड़के की डिमांड बढ़ जाया करती थी, यानी कि वो कहता था कि बिना कपड़ों के आओ तब बात करते हैं। लड़की उसकी सभी डिमांड मान लेती थी और लड़की बिना कपड़े के भी उससे बात किया करती थी। और एक दिन लड़की ने लड़के से कहा कि इतनी दूर से बैठे बैठे बिना कपड़ों के देखते हो, कभी सामने भी आकर देखने की हिम्मत है? लड़के ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ कब आना है, कहाँ आना है। और वो चला आता है उस लड़की से मिलने के लिए। जब लड़का चला आता है उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी सफर हो सकता है। दरअसल लड़के का कत्ल हो जाता है और थोड़े बहुत नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा उस लड़के के टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया था ये सोचकर किया था कि उसे ये कत्ल किया था ये सोच के किया था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, और वो पकड़ा जाता है बस छोटी सी गलती पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है कोरबा, इसी का ही एक थाना लगता है पाली, और पाली का ही एक गांव लगता है गोपालपुर। दरअसल 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9 से 10 बजे के आसपास जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में से थोड़ी सी दुर्गंध आ रही थी। समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और जहाँ से वो बदबू वो दुर्गंध आ रही थी उसी के पास जाकर जब जाकर देखता है तो उसको किसी इंसान के शरीर के अलग अलग टुकड़े के हिस्से मिल जाते हैं। उसको देखने के बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है और आसपास जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। अब यहाँ देखने वालों का जमघट लग जाता है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो 2 दिन से यहाँ दुर्गंध आ रही थी, किसी ने कहा मुझे 3 दिन से यहाँ दुर्गंध आ रही थी, लेकिन किसी ने भी उस वक्त पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 तारीख को देखा था सुबह 9 से 10 बजे के आसपास और उसके बाद वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तब जाकर पाली थाने को और उस एरिया की जो चौकी होती है पुलिस चौकी चेतमा, वहां की पुलिस को फोन किया जाता है। अब जो इस जिले के SP होते हैं सिद्धार्थ तिवारी, वह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं ये जानने के लिए, ये देखने के लिए, क्योंकि जो कत्ल होता है वह बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। ऐसा कत्ल कम देखने को सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के इस कोरबा जिले में इस तरह की घटना होती है तो ये पूरे इलाके में, पूरे जिले में और फैलते फैलते पूरे प्रदेश में फैल जाती है कि बहुत ही भयानक रूप से एक व्यक्ति का कत्ल किया है। कत्ल किसने किया है, कत्ल किसका हुआ है, अभी ये सवाल था। पुलिस इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुट जाती है। उसके पास कुछ कपड़े मिलते हैं, उसके आसपास से एक बोरी मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। लेकिन कत्ल किसका हुआ है पुलिस को ये जानने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी।
फिर पुलिस की अलग अलग टीमें आकर यहाँ पर देखने लगती हैं। गांव वालों से भी कहा जाता है कि छोटी से छोटी बारीक से बारीक अगर कोई वस्तु या कोई चीज आपको किसी की जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत उपलब्ध कराई जाए, लेकिन गांव वालों को ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है। पुलिस को जो बैग मिला था, पुलिस ने उस बैग को बहुत ही तसल्ली से, थोड़ा सा गहराई से उसके एक एक हिस्से को, उसकी एक एक जेब को जब देखना शुरू किया तो पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जिस सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो तो बैग के अंदर ही पड़ा हुआ था। दरअसल बैग के अंदर पुलिस को एक आधार कार्ड मिल जाता है, एक पासपोर्ट मिल जाता है और साथ ही एक एयर टिकट मिल जाता है, हवाई जहाज का टिकट, जो कि दो तारीख यानी कि 2 जुलाई 2024 का वो टिकट था जो कि सऊदी अरब से दिल्ली का। अब सऊदी अरब से दिल्ली तक का तो सफर दिखाई दे रहा था, लेकिन ये दिल्ली से बिलासपुर या इस इलाके के चेतमा गया, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। पुलिस करे तो करे क्या। अब पुलिस ने उस पासपोर्ट, आधार कार्ड और जो बाकी चीजें मिली थी उसकी मदद से जो नंबर मिला था उसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की। वहां का जो एड्रेस दिया होता है वो एड्रेस होता है छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची का, वो एड्रेस था। पुलिस ने अब इसी एड्रेस पर लोगों से संपर्क किया, पुलिस को वहां भेजा। पुलिस को भेजने के बाद वहां से 3-4 लोग आते हैं, उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद तहसीन। तहसीन से जब पूछा जाता है कि वो बताता है कि जब मेरा भाई, जिसका नाम मोहम्मद वसीम अंसारी है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, वो करीब 2.5 साल पहले यहाँ से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए था और वो यहाँ पर आया था, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने परिवार के एक एक सदस्य से बात की, उन सदस्यों ने बताया कि वो थोड़ा शांत स्वभाव का था, किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन 8 से 10 दिन के बीच में परिवार से के किसी न किसी सदस्य से बातचीत कर लिया करता था या तो हालचाल ले लिया करता था। लेकिन उसकी लाश यहाँ मिली व टुकड़ों में मिली, कपड़ों के आधार पर उसने पहचानने की कोशिश की, पासपोर्ट वगैरह इन सब से उसने जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो बहन होती है उसको बिल्कुल भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार यहाँ आया कैसे, यहाँ पहुँचा कैसे। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि उसका कहीं इस इलाके में लोगों से कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है, नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर जो मिला था नंबर लिया और नंबर को निकालने के बाद CDR से और लोकेशन से जब पता चलता है तो वह यहाँ पर आया था। अब कैसे आया था ये तो कातिल ही बता सकता था, लेकिन पुलिस अब कातिल की तलाश में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने जो उसकी CDR निकलवाई, उसकी लोकेशन निकलवाई और उस CDR लोकेशन की मदद से जितने भी उसके संपर्क में रहते थे उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, जो सऊदी अरब में रहते हैं उनके दोस्त वगैरह से बातचीत की। तब एक जानकारी मिलती है कि चेतमा क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, उस लड़की से यह इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारी बातें किया करता था। अब जब उसके दोस्तों से जानकारी जुटाई गई ये लड़की कौन है, कहां की रहने वाली है, अब पाली थाना की चौकी चेतमा के अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाके में पुलिस ने तलाश करना शुरू किया तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। जब पुलिस लड़की के घर पहुंचती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमने तो उससे संपर्क हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुलिस पूछती है क्यों आपने खत्म कर दिया, क्योंकि तो बताते हैं क्योंकि वो लड़की चरित्र की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
लड़की हमारी बात ही नहीं मानती, इसलिए हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मुखबिर ने एक सूचना दी कि ये जो लड़की है 16 साल की, इसका एक प्रेमी है। उसी प्रेमी का नाम राजा खान है, जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास है, जो कि बासटाल चेतमा का निवासी है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो भी गायब है। अब पुलिस को इनके नंबर मिल ही चुके थे। पुलिस ने जब इनकी CDR और लोकेशन के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो इनकी जो अंतिम लोकेशन पाई जाती है वो पाई जाती है उड़ीसा में। आखिरकार पुलिस दौड़कर उड़ीसा पहुंच जाती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है। ये भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनको ये पता नहीं था कि पुलिस मोबाइल के माध्यम से आखिरकार पकड़ ही लेगी। पुलिस को अब ये जानना था कि आखिरकार कत्ल क्यों हुआ और इन्होंने ही कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल किया है। पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। जब इन्हें हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के बाद अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पुलिस को ये बताया जाता है कि जब लड़की बोलती है कि साल 2021 की बात है, राउरकेला से रांची अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी जब ये 13-14 साल की थी। इसी बीच में एक लड़का इसके सामने बैठा हुआ था, जिस लड़के का नाम था वसीम अंसारी होता है, और उस वक्त उसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है, बेइंतहा खूबसूरत होती है, इसलिए लड़का इस पर एकदम लट्टू हो जाता है और इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तो लड़की ने अपनी इंस्टाग्राम ID लड़के को बता दी, जिसके माध्यम से बातचीत किया करते थे। लड़का इसी बीच में सऊदी अरब में कमाने के लिए पहुंच जाता है। लड़का लड़की आपस में दोनों बात किया करते थे। अब लड़की को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती थी तो लड़का वहां से पैसे भिजवा दिया करता था, यानी कि लड़की जितने पैसे मांगती थी उतने पैसे उसे आसानी से मिल जाया करते थे। वसीम नहीं जानता था कि इसका प्यार यहाँ भी है। यहाँ राजा खान से प्यार करती थी, लेकिन राजा खान के बारे में जब पूछा जाता था तो वो बताती थी कि ये मेरा भाई है, अब वो उसे भैया बताया करती थी। कुल मिलाकर जो भी पैसे मांगती थी पैसे इसके पास आ जाया करते थे। राजा ने और उस लड़की ने कहा कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा, क्यों ना इसके सारे जितने पैसे हैं एक साथ ले लिए जाएं तो कैसा रहेगा। लड़की बोली, प्लानिंग तो अच्छी है। लड़की ने उसकी तरफ को और अट्रैक्शन बनाना शुरू किया। कुल मिलाकर उसने हनी ट्रैप का शिकार बनाना शुरू कर दिया। अपने तन से कपड़े उतारती थी और उसके सामने बातचीत करती थी। वो लड़का और ज्यादा इम्प्रेस होता चला गया। तभी लड़की ने कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते हो, तो वो कहता है कि कौन सी दिक्कत आ रही है, तुम जब बुलाओगी तब आ जाऊंगा। यानी कि दिल्ली से अगर सऊदी अरब के सफर की बात करें तो वो लगभग 3225 किलोमीटर लगता है, और दिल्ली से अगर इस इलाके की जहां लड़की रहती है उस घर की बात करें तो लगभग 1206 किलोमीटर पड़ता है। टोटल मिलाकर 4431 किलोमीटर का सफर था। उस लड़की से मिलने के लिए, उसके साथ कुछ पल गुजारने के लिए, कुछ प्यार की बातें करने के लिए वह लड़का 4400 किलोमीटर का सफर तय करके 1 जुलाई 2024 को चलता है अपने सऊदी अरब से और पहुंच जाता है दिल्ली 2 जुलाई 2024 को। जब दिल्ली पहुंच जाता है उसके बाद 2 तारीख को ही ये सफर करता है, ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचता है। लड़का और लड़की इसको रिसीव करने पहुंच जाते हैं, पहले से ही मिलते हैं और अपनी कार से इनको लेकर अपने घर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद इसके गर्दन पर एक चाकू रख दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है, जितनी भी पैसा है वो हमें चाहिए। अब जब पैसे की बात आती है तो वो जो लड़का कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, बस
जैसे ही चाकू उसकी गर्दन पर रखा था, उसने जोर से चीखना शुरू किया। इस बात का किसी को पता ही नहीं था कि वो लड़का आया हुआ है, क्योंकि लड़का भी खुद चोरी से ही घर में लाया जाता है। अगर किसी को पता चल जाता तो जाहिर सी बात है, वो लड़का खुद भी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, क्योंकि वो तो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। जैसे ही वो लड़का चीखता है तो उसके चाकू मार दिया जाता है। चाकू जैसे ही उस लड़के को लगता है, क्योंकि जो राजा खान होता है वो प्रोफेशनल था, उसके परिवार में मछली और मटन का कारोबार होता था, काटना पीटना उसकी आदत में शुमार था, इसलिए उसने उसकी गर्दन को उड़ा डाला और साथ ही उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने उसके बड़े ही तसल्ली से लगभग 20 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को उसने बैग में रखा, जो पिट्ठू बैग, जो उसका खुद का बैग होता है, जिसमें उसके अपने कपड़े रखे हुए थे। साथ ही उसने एक बोरे में रखा और यहाँ से उन्होंने अपने स्कूटर पर ये सारे जो टुकड़े थे लाश के, उनको टुकड़ों में रखने के बाद बागो एक डैम पड़ती है वहाँ पास में, वहाँ पर एक सबसे बड़ा डैम होता है। बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए तो आसानी से मिल नहीं सकता, और यही सोच के उसके टुकड़े किए गए थे कि इसकी लाश को उस डैम में डाल देंगे और किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। अब होता क्या है, जैसे ही स्कूटर को लड़का लड़की डैम के पास लेकर पहुंचते हैं, अचानक ही पुलिस आ जाती है। जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है, जो गश्त करती है, वो यूं ही चक्कर लगाती रहती है। 112 नंबर की पुलिस आ जाती है, पुलिस उन्हें आती दिख जाती है। अभी लाश के एक दो टुकड़े ही डाले थे कि उन्होंने अपने आप को संभालना, और पुलिस ने हालांकि इनसे कुछ नहीं पूछा, कुछ बातचीत भी नहीं की, लेकिन ये दोनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं, अब इनको लगता है कि कहीं पुलिस को शक ना हो जाए, पता ना चल जाए, इसलिए यहाँ से सीधा अपने घर आते हैं। और जितने भी लाश के टुकड़े थे उनको सबको फ्रिज में सजा देते हैं, मतलब फ्रिज में रख देते हैं ताकि बदबू ना आए, खराब ना हो जाए, ताकि इनसे दुर्गंध ना आए। अब यहाँ से जब उन्हें मौका मिलता है, और मौका मिलते ही उन सब जो टुकड़े थे शरीर के, उन टुकड़ों को ये गोपालपुर जो गांव लगता है, गोपालपुर गांव के पास जो डैम होता है, उस डैम में ये अंदर फेंकना चाहते थे, लेकिन अंदर फेंक ही नहीं पाए पूरी तरह से। कुछ टुकड़े बाहर गिर जाते हैं, कुछ अंदर वहीं बैठ जाते हैं। और ये जब 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है, यानी कि 8-9 तारीख का या फिर 8 जुलाई से लगातार दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है। आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन 10 जुलाई की सुबह लगभग 9 या 10 बजे के आसपास जब दुर्गंध का लेवल बढ़ जाता है, तब आसपास के लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर आती है और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जो सिद्धार्थ तिवारी यहाँ के SP होते हैं जिले, उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है, साथ ही मरने वालों का DNA टेस्ट भी कराया जाएगा, ये पता करने के लिए कि वाकई ये वसीम अंसारी है या कोई और तो नहीं मार दिया। इसलिए इनके हर एक पहलू को, हर एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। साथ ही जोड़ने के बाद जो भी इस घटनाक्रम के पीछे जितने भी लोग होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश की जाएगी कम से कम समय में कोर्ट में चार्जशीट भेजी जाए, और चार्जशीट भेजने के बाद इन हत्यारों को बड़ी सी बड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।